जैसा कि हम आज की वीडियो में बताने के लिए जा रहे हैं कि अगर आप अपने नाम की राशि निकाल लेते हैं तो इस तरह से आप अपने नाम की राशि निकाल सकते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं इन शाह अल्लाह का हुक्म तो राशि सही निकल के आएगी अगर आपका नाम चू से शुरू होता है तो आपकी राशि मेष निकल के आती है चे से शुरू होता है तब भी आपकी राशि मेष निकल के आती है जो से शुरू होता है तब भी आपकी राशि में मेष निकल के आती है ला से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि मेष निकल कर आती है ली से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि मेष निकल कर आती है लू से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि मेष निकल कर आती है ले से शुरू होता है तब भी आपके नाम तब भी आपकी राशि मेष ही निकल कर आएगी लो से शुरू होता है तब भी आपकी राशि मेष निकल कर आती है इन शब्दों में से आपका नाम जिस अक्षर से भी शुरू होता है उसकी राशि मेष निकल कर आती है अब हम बात करने वाले वृष राशि की ब्रश राशि ई से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि ब्रश निकल का आएगी ऊ से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि ब्रश निकल पाएगी ए से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि ब्रश निकल का आएगी ओ से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि ब्रश् निकल पाएगी बा से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि ब्रश निकल पाएगी बी से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि ब्रश निकल करेगी बू से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि ब्रश निकल के आएगी वो बो से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि ब्रश निकल के आएगी इन अक्षरों में से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होगा तो आपकी राशि जो है ब्रश ही निकल के आएगी तो अब हम बात करने वाले हैं का से अगर आपका नाम शुरू होता है तब आपकी राशि मिथुन निकल के आती है की से शुरू होता है आपका नाम तब आपकी राशि मिथुन निकल का आती है को से शुरू होता है आपका नाम तब आपकी राशि मिथुन निकल कर आती है घे से शुरू होता है आपका नाम तब आपकी राशि मिथुन निकल का आती है डेह से शुरू होता है आपका नाम तब आपकी राशि मिथुन निकल करती है छह से शुरू होता है आपका नाम तब आपकी राशि मिथुन निकल का आती है के से शुरू होता है आपका नाम तब आपकी राशि मिथुन निकल आती है को से शुरू होता है आपका नाम तब आपकी राशि मिथुन निकल कर आती है इन अक्षरों में से जो ये लाइन है क्या वाली इस लाइन में से अगर आपका नाम किसी भी अक्षर से शुरू होता है इसको आप कोर से देख लीजिए तब आपकी राशि मिथुन निकल का आएगी अब हम अगली राशि की बात करने वाले हैं अगली राशि निकल कर आती है हमारी कर्क अगर ही से आपका नाम शुरू होता है तब आपकी राशि कर्क निकल कर आएगी हो से शुरू होता है आपका नाम तब आपकी राशि कर्क निकल के आएगी हे से शुरू होता है आपका नाम तब आपकी राशि कर्क निकल के आएगी हो से शुरू होता है आपका नाम तब आपकी राशि कर्क निकल का कर के आएगी डा से शुरू होता है आपका नाम तब आपकी राशि कर्क निकल के आएगी डी से शुरू होता है आपका नाम तब आपकी राशि कर्क निकल के आएगी और डू से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि कर्क ही निकल के आएगी डो से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि कर्क निकल के आएगी इन इस लाइन में से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तब आपकी राशि कर्क निकल के आती है अब हम अगली राशि की बात करने वाले हैं वह राशि है कन्या कन्या की राशि का नाम किस अक्षर से शुरू होता है अगर आपका नाम तो से शुरू होता है तब आपकी नाम राशि कर्क निकल के आती है मतलब टोस है टी मतलब टो से शुरू होता है आपका नाम तब आपकी राशि कन्या निकल के आती है पा से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि कन्या निकल के आएगी पी से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि कन्या निकल के आएगी पू से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि कन्या निकल पाएगी और सह से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि कन्या ही निकल का आएगी ठे से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि कन्या निकल कर आएगी पेय से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि कन्या निकल कर आएगी पो से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि कन्या ही निकल कर आएगी इस लाइन के किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि कन्या ही निकल के आती है अब हम अगली राशि की बात करने वाले हैं वह राशि है सिंह है सिंह मतलब शेर अगर माँ से, से, से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि सिंग निकल के आएगी मी से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि सिंग निकल कर आएगी मुँह से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि सिंह ही निकल के आएगी मे से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि सिंह ही निकल कर आएगी टा से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि सिंह निकल कर आएगी टी से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि सिंह निकल कर आएगी टे से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि सिंह निकल कर आएगी टे से शुरू होता है आपका नाम तब भी आपकी राशि सिंह ही निकल के आएगी इस लाइन के किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो अब आपकी राशि सिंह ही निकल के आती है अब हम बात करेंगे अगली राशि की अगली राशि है हमारी तुला तुला राशि रा से अगर आपका नाम शुरू होगा तो राशि तुला होगी से आपका नाम शुरू होगा तब आपकी राशि तुला होगी रू से शुरू होगा आपका नाम तब आपकी राशि तुला होगी रे से आपका नाम शुरू होगा तो आपकी राशि तुला होगी री से आपका नाम शुरू होगा तब भी आपकी राशि तुला होगी रो से आपका नाम शुरू होगा तब भी आपकी राशि तुला होगी ता आपका नाम शुरू होगा तब भी आपकी राशि तुला होगी ती तीस आपका नाम शुरू होगा तब भी आपकी राशि तुला होगी तैसा आपका नाम शुरू होगा तब भी आपकी राशि तुला होगी ते तेसा आपका नाम शुरू होगा तब भी आपकी राशि तुला होगी इस लाइन के किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होगा तब भी आपकी राशि तुला ही निकल के आएगी अब हम बात करने वाले हैं वृश्चिक तो से आपका नाम शुरू होगा आपकी राशि होगी वृश्चिक ना आपका नाम शुरू होगा राशि निकलेगी वृश्चिक नी से आपका नाम शुरू होगा राशि आपकी बृष्टिक निकल के आएगी नू से आपका नाम शुरू होगा राशि वृश्चिक निकल के आएगी ने से आपका नाम शुरू होगा राशि वृश्चिक निकल के आएगी नो से आपका नाम शुरू होगा वृश्चिक निकल के आएगी या से आपका नाम शुरू होगा वृश्चिक निकल के आएगी ये से आपका नाम शुरू होगा राशि वृश्चिक निकल के आएगी यू से आपका नाम शुरू होगा राशि वृश्चिक निकल के आएगी इन अक्षरों में से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होगा राशि वृश्चिक ही निकल के आएगी अगर आपका नाम या से शुरू होगा राशि धनु निकल का आएगी यो से आपका नाम शुरू होगा राशि धनु निकल का आएगी भा से आपका नाम शुरू होगा राशि धनु निकल का आएगी भी से आपका नाम शुरू होगा राशि धनु निकल का आएगी भू से आपका नाम शुरू होगा राशि धनु निकल का आएगी घा से आपका नाम शुरू होगा राशि धनु निकल का आएगी ढा से आपका नाम शुरू होगा राशि धनु निकल का आएगी अगर से आपका नाम शुरू होगा राशि धनु निकल का आएगी इन अक्षरों में से अगर आपका नाम किसी भी अक्षर से शुरू होता है राशि धनु निकल के आती है अब हम बात करते हैं मकर राशि की मकर राशि भाषा का नाम शुरू होता है राशि मकर निकल के आती है अगर जो से आपका नाम शुरू होता है राशि मकर निकल के आती है जी से आपका नाम शुरू होता है राशि मकर निकल के आती है खी से आपका नाम शुरू होता है राशि मकर निकल के आती है से आपका नाम शुरू होता है राशि मकर निकल के आती है खेसा आपका नाम शुरू होता है राशि मकान निकल का आती है खोसा आपका नाम शुरू होता है राशि मकर निकल के आती है से आपका नाम शुरू होता है राशि मकर निकल के आती है इन अक्षरों में से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होगा राशि मकर निकल के आएगी अब हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की कुंभ राशि आप देख लीजिए अगर आपका नाम गु से शुरू होता है गु से गु से शुरू होगा राशि कुंभ निकलेगी गे से आपका नाम शुरू होगा राशि कुंभ निकलेगी गो से आपका नाम शुरू होगा राशि कुंभ निकलेगी सा से आपका नाम शुरू होगा राशि कुंभ निकलेगी सी से आपका नाम शुरू होगा राशि कुंभ निकलेगी सु से आपका नाम शुरू होगा राशि कुंभ निकलेगी से, से आपका नाम शुरू होगा राशि कुंभ निकलेगी सो से आपका नाम शुरू होगा राशि कुंभ निकलेगी दा से आपका नाम शुरू होगा राशि कुंभ निकलेगी इन अक्षरों में से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है राशि कुंभ निकल के आती है अब हम बात करने वाले हैं अगली राशि यानी मीन राशि की मीन राशि दी से आपका नाम शुरू होगा राशि मीन निकलेगी दू से आपका नाम शुरू होगा राशि मीन निकलेगी छह से आपका नाम शुरू होगा राशि मीन निकलेगी शह से आपका नाम शुरू होगा राशि मीन निकलेगी गैस से आपका नाम शुरू होगा राशि मीन निकलेगी देह से, से आपका नाम शुरू होगा राशि मीन निकलेगी चा से आपका नाम शुरू होगा राशि मीन निकलेगी चीज से आपका नाम शुरू होगा राशि मीन निकलेगी इन अक्षरों में से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है राशि मीन निकल के आती है उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हम फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें अगर वीडियो में बताने में कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द